से तो बता दो आप, आपका 21% है वो तो लो, आपका हक है, आपका हक है। फ्री पास करवा दिया जाता है, मेंस दिलाया जाता है, फिजिकल करवाया जाता है, सब कुछ, लेकिन अंत में नौकरी नहीं दी जाती। टारगेट है सिर्फ ओबीसी मेल कैटेगरी टारगेट किया जा रहा है, ओबीसी को शून्य किया जा रहा है। ओबीसी एकता साथियों, में योगेश यादव, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 टॉपर, हमारे कोटा ग्रामीण से आवेदन किया, जनरल टॉपर से 2 नंबर ज्यादा लेके आया, लेकिन आज आपके सामने हूँ। कोटा ग्रामीण से एक भी सीट नहीं दी गई, 33 की 33 सीटें भूतपूर्व सैनिक को दे दी गई। ऐसा हाल पुलिस भर्ती में हुआ है, 238 सीटें थी, सारी की सारी भूतपूर्व सैनिकों को दे दी गई, एक भी बंदा नहीं लगा। पूरे राजस्थान में 18 लाख फॉर्म भरे गए, एक भी बंदा नहीं लगा। 13 तारीख से 16 तारीख को फिर से भर्ती है, फिर से 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 7 लाख ओबीसी मेल के फॉर्म भरे गए हैं। 100 सीटें मिलेंगी 4500 की वैकेंसी में। ऐसा सिर्फ एक वैकेंसी में नहीं है, सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, उठा के देख लेना विज्ञप्ति आई हुई है, जब किसी भी भर्ती में हो, सब इंस्पेक्टर की हो, आरएस की हो, सब देख लेना। अभी सब इंस्पेक्टर का फिजिकल देख के आया हूँ। हमारी 124 सीटें ओबीसी की, 94 सीटें भूतपूर्व सैनिकों को दे दी गई। अरे हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं ये बताइए आप। आरएस के अंदर 125 सीटें जा रही है, कहाँ करे, कहाँ कौन कौन सी एग्जाम दे बताओ। पटवारी में 603 सीटें हैं और 583 एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं। अंतिम परिणाम देख लेना जब आए, जब मैं बता रहा हूँ साथियों, जब अंतिम परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। आज आप यहाँ आए हो, आपके भाती जो भाई लोग हैं लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं 10-10 घंटा, अरे हमने भी 12-12 घंटे निकाल दिए, आज यहाँ आए, समय से जाग जाओ। आपका जो हक है, अरे वो तो ले लो आओ पहले। अभी कई साथी भाइयों से मैंने बात की लाइब्रेरी जाके कि अरे भाइयों यहाँ आओ और अपनी बात रखो, आके आओ सारे साथ में आओ। बोले नहीं, मेरा तो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा बाद में, मुझे पता नहीं। मैंने कहा जनरल में भी तो एक सर्विसमैन आते हैं, किस किस का जनरल में होगा। अरे तुम्हारा हक है वो तो ले लो। अब ये कहते हो हमें हमारा तुम्हारा घर कोई ढाणे आ रहा, तुम कह रहे हो नहीं मैं साइड में घर बढ़ा लूंगा, ये कौन सी बात होगी मुझे बताओ। अरे आपका जो घर है उसे तो बता दो आप, आपका 21% है वो तो लो, आपका हक है, आपका हक है, आप वो लो आपका। मैं सभी साथियों, ये हिंगलाज भाई 175वीं रैंक सब इंस्पेक्टर, वो मोहसिन भाई बैठे हैं, योगेंद्र भाई बैठे हैं, सारे सब इंस्पेक्टर 2016 से पैर छान मारे, न्याय नहीं मिला। एक एक बंदे जाते हैं सीएमओ में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अधिकारी बात सुनते हैं। 4 बार उपेन भाई साहब के साथ गया तब जाके बात सुनी है, सीएमओ में घुसने नहीं दिया जाता एक को भी। उपेन भाई साहब लेके गए साथ में, सारी बात रखवाई। 3 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी आरती डोगरा जी को साफ साफ बताया, समझाया, बोलती ऐसा हो नहीं रहा। मैडम मैं सामने खड़ा हूँ आपके सामने, क्यों नहीं हो रहा। अरे एक भी ओबीसी का ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और आप यहाँ बैठे हो। मैं बता रहा हूँ भाइयों, आपके सबके समझ में आ रही है, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप खुद देख लेना, उस दिन आप खुद देख लेना आपकी वैकेंसी कहाँ है। वीडियो का अभी रिजल्ट आया है फ्री का, अब मैं इसमें देख लेना हमारी कितनी सीटें जा रही हैं। जब अंतिम परिणाम आएगा, आप सबको फ्री पास करवा दिया जाता है, मेंस दिलाया जाता है, फिजिकल करवाया जाता है, सब कुछ, लेकिन अंत में नौकरी नहीं दी जाती। और ऐसा 2018 के बाद हो रहा है, भूतपूर्व सैनिकों के नाम पे सारी सीटें दी जा रही हैं, ओबीसी वर्ग से दी जा रही है। ओबीसी मेल टारगेट है, सिर्फ ओबीसी मेल कैटेगरी टारगेट किया जा रहा है, ओबीसी को शून्य किया जा रहा है। 21% रिजर्वेशन से 0 से 3% पे ले आए। राजेंद्र जी बाड़मेर से, इन्होंने मेरे से संपर्क किया साहब से, उन्होंने खुद आए 5 दिन पहले खुद आए, 20 बंदों को साथ लेके आए, बात समझी, बात रखी, और 17 अप्रैल को जो इन्होंने किया पूरा राजस्थान में कहीं नहीं हुआ ऐसा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा बाड़मेर वाले भाइयों, जितनी जिंदी जागृति बाड़मेर वाले भाइयों में आई है उतनी जागृति पूरे राजस्थान में आ जाए तो यह समस्या तुरंत समाधान हो जाए। अरे जितनी 55% आबादी है, सारे 70 MLA हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री साहब खुद ओबीसी से हैं, फिर क्यों नहीं समझते। एक 10% सवर्ण जाति वाले बैठ के सीएमओ में नियम निकालते हैं, 4.5% साहब बता रहे हैं, 4.5% सवर्ण जाति वाले नियम निकालते हैं। ओबीसी को टारगेट करो, ओबीसी मेल कार्मिक विभाग के एक महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ 25% वैकेंसी सिर्फ कार्मिक विभाग के सवर्ण जातियों से भरी जा रही है। अरे ओबीसी वालों अपना हक देखो, अपना हक, जो आपके भाई नहीं है बताओ उनको क्या हो रहा है, कितनी पढ़ाई कर लो तुम्हारी सीटें ही नहीं है। अरे तुम्हारे पद ही नहीं है तो तुम्हारे 14 घंटे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है बेटे। अरे कहां से कोचिंग वाले बोलते हैं बंदर अक्सर कैसे बने, कोर्स खरीदो, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग में गए, लेकिन देखो तुम
कुछ दिन देने के बाद जब तुम्हारा अंतिम परिणाम आएगा तो तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम करिए अरे 75 में से 70 नंबर लेके 94% नंबर लिए हैं, फिर भी देखो आपके जनरल टॉपर से 2 नंबर ज्यादा थे, क्या हुआ अंतिम वहां गया कोटा ग्रामीण एसपी बोले भर्ती प्रक्रिया दीन है, अरे 6 महीने पहले सारी ज्वाइनिंग करा दी, कौन सी भर्ती प्रक्रिया दीन है, सब इंस्पेक्टर में 124 में 94 सीटें दे दी, पेपर लीक कराते हैं पद नहीं देते, अब हम करें तो क्या करें बताओ, ये 2016 वाले सब इंस्पेक्टर हैं, आज 4 साल हो गए इनको पैर घसते हुए, अरे पंचवर्षीय योजना बना दी एक भर्ती की और बाद में पता चलता है सीटें नहीं है, कहां से सीटें आएंगी बताओ, सबसे ज्यादा एमएलए सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी से, फिर ये राजा राम मिल साहब के पास हम 3 बार गए, हर बार राजा राम मिल साहब ने बात रखी है समझी है ट्वीट किया है साथ आने का कहा है, उन्होंने हर बात बोली है, हमेशा बोलते हैं हर बार, राजा राम मिल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ मंच पर आए बात रखी और हमारे मोर्चा का नेता राजा राम मिल साहब, राजा राम मिल साहब उपेन भाई जो हमेशा अपने साथ खड़े हैं अपनी चीजों को लेके आए हैं आगे सीएमओ तक अधिकारियों तक बात पहुंचाई है, अब वापस रखने जा रहे हैं बात, जब तक बात पूरी नहीं होगी डटे रहेंगे, हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे सीधी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये इनकी दिल की पीड़ा है।